होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शीघ्र विवाह के कुछ सरल ज्योतिष उपायों के बारे में बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि हमारी जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह जाते हैं, तो इस और कई बार ऐसी बाहरी बाधाएं आती हैं जिनकी वजह से विवाह नहीं हो पाता है। उम्र लगातार बढ़ती रहती है, उसकी वजह से भी कई बार रिश्ते बनने में परेशानी होती है। तो इसके लिए कुछ आसान उपाय हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। पहला उपाय है, शीघ्र विवाह के लिए आपने सोमवार के दिन 2200 ग्राम चने की दाल पर 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहें जब तक कि विवाह ना हो जाए। दूसरा तरीका है, कन्या जब किसी कन्या के विवाह में जाए, यदि वहाँ दुल्हन की मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले, इससे भी विवाह मार्ग जो है शीघ्र प्रशस्त हो जाता है। तीसरा तरीका है, विवाह वार्ता के लिए घर आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख जो है घर के अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार नहीं दिखना चाहिए। चौथा तरीका है, विवाह योग युवक या युवती इस पलंग पर सोते हों, जहाँ भी सोते हों अपने घर में, तो उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कवाड़ का सामान नहीं रखना चाहिए, यह भी विवाह होने में परेशानी पैदा करता है। पांचवा तरीका है, यदि विवाह के पूर्व लड़का या लड़की मिलना चाहें तो वे इस प्रकार बैठें कि उनका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर रहे। छठवां तरीका है, कन्या सफ़ेद खरगोश को पाले तथा अपने हाथ से उसे कुछ भोजन कराए तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। सातवां तरीका है कि कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर से जब लोग जब किसी के यहाँ जाएं तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए हुए उन्हें मिष्ठान खिलाकर विदा करें, विवाह चर्चा इससे भी सफल होती है। आठवां तरीका है, पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 परिक्रमा देने से भी विवाह की जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। नौवां तरीका है, गुरुवार को वट वृक्ष पीपल के केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। दसवां तरीका है, जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल को भोग गाय को लगाना चाहिए, इससे भी शुभ होता है। शिव पार्वती की पूजन करने से भी विवाह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत और कुमकुम यदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें तो इससे भी विवाह बाधा दूर होती है। विवाह योग लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आप ऐसा भी करें, विवाह योग व्यक्ति को सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए, इससे भी विवाह योग में संभावनाएं बनती हैं। और एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए, इससे भी शीघ्र विवाह के योग में निसंदेह बनते हैं। अगर आप बृहस्पतिवार को देवताओं का गुरु माना जाता है, इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें समाप्त हो जाती हैं। इनकी पूजा करने के लिए गुरुवार का दिन जो है बड़ा विशेष महत्व रखता है। अगर किसी भी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्रोत का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, इससे भी विवाह के मार्ग में बाधाओं में कमी आती है। यदि आप शिव पार्वती का पूजन करने से विवाह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसके लिए आप प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजा करें, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जिन व्यक्तियों का विवाह की आयु निकल चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना चाहिए।
इस उपाय में शुक्रवार को रात्रि में 8 छुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रख लें और सो जाएं, तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी बहते हुए जल में इन्हें प्रवाहित कर दें। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या आज विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाए तो शीघ्र ही उसका विवाह हो जाता है। आपको जो है मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। मेरे आने वाले न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।